नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शिवरात्रि नजदीक आते ही भोले के भक्तों का जमावड़ा शुरू हो जाता है। भोले के भक्त हरिद्वार से पैदल जल लेकर अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करने लगते हैं, तो वहीं शिव के भक्त डीजे पर झूमते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो जाता है। जनपद उधम सिंह नगर में भी प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क हो गया है। इसी क्रम में पुलिस क्षेत्र अधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा और कोतवाल जसपुर प्रकाश दानू ने उत्तराखंड और यूपी बॉर्डर के साथ साथ शहर के मार्गों का निरीक्षण किया, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा सकें। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, इसी के लिए आज रूट देखा गया है। इसमें जो भी बड़े वाहन हैं वो हाईवे से जाएंगे। नादेही बॉर्डर से बड़े वाहनों का जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले लिंक रोड पर ड्यूटी तैनात की गई है। साथ ही मार्ग पर पड़ने वाले मांस और अंडों की दुकानें भी बंद की जाएंगी और हैवी वाहनों की आवाजाही भी बंद की जाएगी। जसपुर से हमारे संवाददाता अंशु अग्रवाल की रिपोर्ट। कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर लिया गया है और उसमें जो भी बड़े वाहन है वो हाईवे से ही जाएंगे और ये नादेही मार्ग से बड़े वाहनों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसमें जितने भी हमारे लिंक रूट्स हैं जो यूपी की तरफ से आ रहे हैं, सभी जगह पर पिकेट लगाकर हमारी ड्यूटीज मौजूद रहेंगी और केवल यहाँ पर पैदल कांवड़ियों के लिए मार्ग व्यवस्था रहेगी। जो भी इस तरह की दुकानें हैं, जो मदिरा की दुकानें हैं, मांस की दुकानें हैं, सबको बंद रखे जाएंगे और इसी के साथ साथ साफ सफाई के लिए और लाइटिंग व्यवस्था के लिए भी संबंधित विभागों को बता दिया गया है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।